शर्ट या कोट पहनते हैं तो उनको महसूस होने लगता है कि हम इस वक्त तकरीबन तमाम हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैम से पूछते हैं, मैम गोमल मेडिकल कॉलेज के हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये एक वाइट कोट सेरेमनी का इनेकाद किया गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वाइट कोट सेरेमनी हमारे बच्चों की इस पहले कदम का इनका हक है और ये पहली मरतबा नहीं हम कर रहे हैं। पिछले साल भी हमने किया था लेकिन वो बहुत छोटे उस पर किया था, लेवल पे किया था। इधर माशाल्लाह भी इस बार काफ़ी अच्छा और प्रोफेशनल प्रोग्राम हुआ है और आगे इसको मज़ीद इम्प्रूव करना है। एंजॉय कर रहे हैं जी एम सी, तो पहले ही से ड्रीम था और ड्रीम लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका क्या नाम है? अच्छा, आप ये बताइएगा कि वाइट कोट सेरेमनी में जब आपने पहली दफ़ा यहाँ पे आपको कोट दिया गया तो आपके अंदर फीलिंग्स क्या थी? बहुत प्राउड फील कर रहे थे और हम लोग आखिरकार हमने कह सकते हैं कि हमने पेरेंट्स का जो ड्रीम था उसको हमने पूरा कर दिया। जो मैं सोच रहा था वो मैंने अचीव कर लिया, तब काफ़ी फ़खर और तस्कीन की एक सूरत हाल। कैसा लगा आपको? शुरू क्योंकि मेरे थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे, क्योंकि मैं डिफरेंट जो है मतलब प्रोविंस से आई हूँ, शुरू में मुझे थोड़ा सा अजीब लगा मगर मुझे अब अच्छा कोर्स बनाया गया हमें तो ऐसा लगा जैसे रियली हम डॉक्टर बनने। मेरी जितनी भी लाइफ लॉन्ग ड्रीम्स थी वो आज पूरी हुई हैं और अब मैं डॉक्टर बन के। अगर तूफान आए नैन से खौफ खाए, इन्हें सीनों पे अपने रोक ले बनकर चटाने हो। चमन अपना बचा।